ये जो पार्टी है इफ्तार पार्टी, इसका मकसद यही है, इसका उद्देश्य, इसका कारण यही है कि हम जो भाईचारगी के साथ रहें और हमारे मुल्क की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो बरकरार रहे। हम लोग यहाँ पे जो सब लोग जमा हुए हैं, कुछ लोग बुंदेली से आए हुए हैं और कुछ नागौरे के भी हैं, शायद वाड़ी के भी है, ये जहाँ जहाँ के लोग जो लोग आए हैं उनका एक ही कारण है, वो लोग एक मैसेज देने के लिए आए हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में किस तरीके से रहते हैं। उन लोगों का आने का मकसद यही है, वो लोग एक गवाही दे रहे हैं, वो सबूत दे रहे हैं कि हम लोग भाई भाई के जैसे हैं। ये जो इफ्तार पार्टी का जो हम लोग आयोजन कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसका मकसद यही है, दूसरा कोई पॉलिटिक्स का या फिर और कोई दूसरा मकसद नहीं है। ये हम लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे हिंदू भाई और हमारे जो मुस्लिम भाई, जो लोग भी है, हम लोग ऐसे रहें जैसा एक भाई भाई के साथ रहते हैं। हम ऐसे ही मोहब्बत और खलूस के साथ रहने के लिए ये हम एक इफ्तार पार्टी का आयोजन करेंगे। तो जो लोग भी जहाँ से भी हम तशरीफ़ लाए हैं, उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो द्वाड़ी के हैं, गुंदेली के और भूलमपल्ली से, जहाँ से भी जो लोग तशरीफ लाए हैं, जो चिट्टा के भी हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से और जमीयत अहले हदीस की तरफ से और मस्जिद बशीर के कमेटी की तरफ से और जामिया मस्जिद चिट्टा के जिम्मेदारों की तरफ से और हमारे मुस्लिम कम्यूनिटी की तरफ से सब आप लोगों को सलाम है। आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोग एक मैसेज देने के लिए आए हैं कि हम आज के हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है, इसका यही मैसेज है और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि हमारे अनिल अन्ना या और भी कोई हमारे हिंदू भाई, जैसा वेंकटराव पटेल साहब है या हमारे काशीनाथ स्वामी जी है, या कोई भी एक दो बात करते तो हम लोगों को खुशी होती थी। आप भी कुछ बोलिए सर, हमारा एकता प्रोग्राम ही हम लोग रखे हैं इसलिए कि हम लोग भाई भाई के जैसा रहें। मैं फ़ोन करा था मुझसे थोड़े दिन पहले, एक दो ಎಲ್ಲ ಈ ಇಫ್ತಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೆಂಗದಂದ್ರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಹುಣ್ಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅವ್ರ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗಳಿರಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ದಿರಲಿ, ನಮ್ದು ಹಿಂದೂಗಳಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗದಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪಸಂದ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ದಿನದಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ನಮಾಜ್ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ ಇರೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಹರಿದು ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಹರಿದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ, ಸೊ ಒಂದೇದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ. ಅದ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಸಂದೇಶ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗಾಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಾಗ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೆ ಅಪ್ಲೇನೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ, ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು 5 ಮಕ್ಸದ ಏನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿನದಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ನಮಾಜ್ ಬಿಡೋದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಾ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಕುರಾನ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಓದ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಇದು ಆಗಿರೋದು, ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಇವೆಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ, ಮತ್ತು ನಾವು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೋತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಖಾಲಿ जैसा कि आज चिट्टागो में इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम किया है, जो भी हमारे अदर भाई हैं उनके लिए भी जो इंतजाम किया है, मैं मुबारकबाद देता हूं कि काफी इतनी तादाद में आके जो हमारी हिम्मत अफजाई करे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. जो आज माहौल चिट्टे के अंदर है, इंशाल्लाह हर जगह पे ऐसा माहौल होना हम चाहेंगे, क्योंकि चिट्टे के मुसलमान और हिंदू भाई हम सब ऐसे रहते हैं कि अभी हम एक घर के अंदर आंगन में केले सरकार रहते हैं, क्योंकि ये बहुत हमारे तहजीब और तमीज दिखती है, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम है बोले सरकारने लगता, लेकिन हम सब भाई भाई है बोले सरकार लगता है. चिट्टे की एक हमेशा मैं ये तारीफ करता रहता हूँ कि भाई हमारे हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं भाई, कुछ भी नहीं ऐसा मामला, बल्कि आज वो लोग बखूबी दिखाए हैं कि इफ्तार पार्टी में आके हमेशा हमको ये मैसेज देते हैं कि वो हमारे साथ है, बल्कि और अच्छे बुरे वक्त में ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ है बोले सरकार. हमारा कौन सा भी काम रुका या करा तो वो आगे बढ़ के बिल्कुल हल करते हैं, हमारे पास उनका काम रुका तो एक दूसरे में बैठ के हल करते हैं. ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एकता इंसानियत का, ये है कि इंसानियत का पैगाम देते हैं. हम सबसे पहले इंसान बने, क्योंकि मजहब ही तो बाद में है, पहले इंसानियत है. इंसानियत को बखूबी हमारे यहाँ पे जो हमारे हिंदू भाई
हैं वो बखूबी निभाते हैं कि हर मुसलमान को अपना भाई समझते हैं और हर मुसलमान हिंदू भाई को अपना भाई समझता है। आज जो चिट्ठा के अंदर तहजीब है वो मैं शायद ही कहीं पे भी नहीं देखा, क्योंकि हमें बहुत जगह प्रोग्राम में अटेंड हुआ है, इतने तादाद में हिंदू मुस्लिम एक साथ में रहने का चिट्ठा के अंदर ही दिखता है। तो मैं आज गाँव वालों को मैं सलाम करता हूँ कि ये इतने तादाद में आके इस प्रोग्राम को कामयाब करे हैं और अल्लाह ताला ऐसे ही मोहब्बत को कायम रखे। इस रमजान के मुबारक महीने में मैं ये दुआ करूंगा कि हम हिंदू मुस्लिम भाई चिट्ठे के साथ साथ ऐसी मोहब्बत से रहे, कयामत तक रहे, आने वाली नस्ल ऐसी मोहब्बत से रहे। अल्लाह इस दुआ को कामयाब करे। वाकई रब्बिल आलमीन सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। जो ये पार्टी का जो हम ये जो पार्टी करते हैं, मेरे जो बड़े भाई साहब है अब्दुल गफूर साहब, उनकी सदारत में ये प्रोग्राम होता है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो दो जुमले कुछ कहें। राजकीय मंत्रालय ताउ नम कड़े जो हूँ बंदी इन दौड़ संख्या अपारवाद याकंद्रे साकु केस कारण मने ऊट मैं कैंस ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಳುವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವವರು ನಾನೇನು ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ ಜನ ಕಾಲೇ ತುಂಬ ದೇವಯ್ಯ ದೇಗುಲ ಸರವನ್ನೇ ಕಳಿಸುವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ವಚನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರಂಜಾನ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಈ ವಚನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಾವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಸೋದರತ್ವ ಒಂದು ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಚರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನಗೇನು ಅಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. वक्त हो गया है, वक्त हो गया. हाँ भाई, दुआ का वक्त हो चुका है. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، اے ہم سب کے نظام کے چلانے والے، روزے دار لوگ تیرے ہاتھ میں تیرے بدبارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں. اے اللہ ان روزے داروں کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو بہترین زندگی نصیب فرما، آپس میں بھائی چارگاہ نصیب فرما، اس ملک میں امن و امان عطا فرما، چین سکون کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ مرتے دم تک تیرے دین پر قائم رکھ، موت ایمان کی نصیب فرما، ایمان پر چلنا آسان فرما، ایمان کے بول بولنا آسان فرما، ایمان کی خاطر جینا اور ایمان کی خاطر مرنا سکھا دے. اے اللہ ان روزے داروں کی صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے.
काशीलिंग है चिट्टागार में ग्राम में आज सारे मुस्लिम बांधवों ने आज इफ्तार पार्टी दिए सभी हिंदू लोगों को इन्वाइट करके जो भाईचारा का जो पैगाम दुनिया को दिया है वो सबसे बहुत खूबसूरत है। और ये जो मुस्लिम बांध ये एक महीना जो रोज़ा रखते बहुत ही डिसिप्लिन से रोज़ा 5-5 दिन में नमाज करके जो ये डिसिप्लिन उसका लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट करने की कोशिश करते तो वही हम हिंदू भाई हमारा श्रावण मास जैसा करते। तो अभी सभी हम भी जो जन्नत को पाने के लिए जो डिसिप्लिन एक मंथ में जो हम फॉलो करते तो रेस्ट ऑफ जो दुनिया में बाकी 11 महीना ऐसे ही फॉलो करना इससे ही जो सेहत का अच्छा बनता है जो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म में जो अच्छा बढ़ावा मिलता है ये बाकी 11 महीना भी ऐसे ही रहना है। जो आज जो भाईचारा का जो पैगाम जो आज वीदा डिस्ट्रिक्ट को दुनिया को दे रहे हम ये हर जगह हर तरफ ऐसे ही फैले। हम सभी हिंदू मुस्लिम या कोई भी हो खुशी खुशी रहे अच्छे दिल से रहे आपका एक के एक सहकार से रहे सो ऐसा पैगाम दुनिया को जाए। सो सबको इस इफ्तार पार्टी के लिए सभी मुसलमान बंधुओं सर अभी जो है धन्यवाद देता हूँ। बसवा जयंती और रमजान 2 साल से एक ही बार आ रहा है इसके बारे में क्या मैसेज देंगे सर? इसमें क्या जो हिंदू है हिंदू के परंपरा से उन्होंने लोग बना रहे जो रमजान के मुसलमान लोग हैं उनका जो परंपरा उनसे बना रहे तो दोनों एक ही साथ आते बहुत अच्छी बात है ना यानी कि डबल धमाका। हाँ डबल धमाका बिल्कुल उसमें कुछ बुरा भी नहीं है ना। पीछे भी चलते हैं और आगे भी चल गए। हाँ यही सर हम लोग 4-5 साल से कराते हैं जोर सर हम ये इफ्तार पार्टी जो है 4-5 साल से कराते आते हैं सर। हमारे एक गुरु है मोहम्मद फैयाजुद्दीन साहब बोल के जो बिदर के रहने वाले हैं वो आज से 5 साल पहले मुझे मशवरा दिए थे कि ऐसा ऐसा करो इससे भाईचारे की बढ़ती है इससे लोगों में प्रेम बढ़ता है। उसी तरीके से हम लोग 4-5 साल से कराते आ रहे हैं और उसका अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारे हिंदू भाई भी हमारा पूरा साथ देते हैं और अभी कुछ लोग तो अभी इसके अंदर हमको इफ्तार करने के लिए खजूर भी ला के देते हैं हमारे हिंदू भाई ये बहुत खुशी की बात है। और मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी लोग यहाँ पे आए हैं उनका शुक्रिया। अभी एक बात है अभी इलेक्शन चल रहा है इलेक्शन के मोमेंट में या कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको करने के लिए बोले अभी ऐसा कुछ पब्लिक का कहना नहीं, रहता नहीं, है ऐसा? नहीं, सर, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी अपने तरफ से कर रहे हैं ये मैं मेरी तरफ से करता हूँ सर। मैं अभी आपको बोला हम ये हर साल हम 5 साल से करते सर क्योंकि जिनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ जो हमारे जिसको मैं अपना गुरु मानता हूँ मोहम्मद फैयाजुद्दीन साहब बोल के जो है वो मुझे मशवरा दिए थे तो आज से 5 साल से कराते हैं और हमेशा से कराते आते सर। और हम जब तक जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही मिलजुल के रहेंगे। यानी कि आपका नौजवान पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है हम कोई लीडर की ताइद में ये प्रोग्राम नहीं हाँ, वही पूछना नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ। हमारे भाई साहब भी लीडर है लेकिन हम उनको भी थोड़ा बैकफुट पर रखते हैं ये प्रोग्राम के अंदर क्योंकि लोगों को पॉलिटिक्स नहीं दिखना पड़े हालांकि उन्हीं की सदारत में होता है लेकिन फिर भी थोड़ा हम उनको आज सब लोग सब धर्म वाले लोग आए आपके पास इफ्तार को आपको कैसा लगा ये आज? बहुत खुशी की बात है सर बहुत खुशी की बात है जो लोग पूरे लोग आए हमारा साथ दिए और हमारे साथ इफ्तार करें ये बहुत खुशी की बात है सर। ये हम लोग सब भाई भाई हैं सर ये जितने भी लोग दुनिया में हैं सब भाई भाई एक ही परमेश्वर एक ही ईश्वर एक ही अल्लाह की मखलूक है हम सब। बहुत खुशी का महीना है ये हमारे हिंदू भाई हमारा साथ दिया। आज जो रमजान का इफ्तार हुआ आने वाले 3 दिन में बसवा जयंती भी है तो उसमें भी सब लोग मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे बिल्कुल करेंगे सर मतलब हर त्यौहार एक साथ करेंगे बिल्कुल मनाएंगे सर। हमारे हिंदू भाई जब भी हमको आवाज़ देंगे हम जाएंगे हम जाते हैं सर यहाँ हनुमान जयंती होती है वहाँ पे भी हम लोग गए और इससे पहले एक वो कोई प्रोग्राम था वहाँ पे भी गए जाते हैं सर हम लोग बुलाते हैं एमपी वालों के हमारे राजप्पा पटेल विजय पटेल बोल के है एमपी का वो लोग हर दावत में हरी पे बुलाते हैं हर बार हम उनके घर जाके वो मीठा वगैरह स्वीट वगैरह खा के आते हैं बहुत अच्छे से। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है सर मुगलपुर साहब चिट्टा जो है उनका छोटा भाई।